हाय दोस्तों, 1 BHK का प्रॉपर्टी है ये जिसका मैं आज बात करने वाला हूँ। रीसेल की प्रॉपर्टी है ये दोस्तों। प्रोजेक्ट का नाम है वैदिक हाइट। ये कांदिवली ईस्ट में आता है, कांदिवली ईस्ट में हाइवे के बिल्कुल पास में ही है। आइए जानते हैं इसके रीसेल की प्रॉपर्टी में वैदिक हाइट का क्या डिटेल है, कहाँ पर स्थित है और किस टाइप का फ्लैट है, क्या प्राइजिंग है, क्या साइजिंग है। इस वीडियो में एसी का पूरा डिटेल हम समझते हैं। प्राइजिंग काफ़ी बढ़िया है जो मैं आगे बात करूंगा। आइए पूरा वीडियो देखते हैं फिर समझते हैं दोस्तों। मैं विकास भरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिलर एंड प्रॉपर्टी डीलर मीरा रोड मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। आइए जानते हैं प्रॉपर्टी का डिटेल क्या है। ये ओपन स्पेस है और यहाँ से हम देखेंगे एंट्रेंस लॉबी वैदिक हाइट का कैसा है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये, हाईवे से बिल्कुल लग के है और एक ही एंट्रेंस है और दो विंग है इसमें, ए और बी, बट एंट्रेंस एक ही है। यहाँ से राइट हैंड साइड आप जाते हैं तो ये ए विंग है और लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाते हैं तो बी विंग है। मैं आपको पूरा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ, आप देख लें, समझ लें वीडियो में, फिर डिसाइड करें आप। ये लिफ्ट है इसका, इसके बाद में इसका एक स्टेयरकेस है और फिर इसका दूसरा लिफ्ट दिया हुआ है। अब हम इसका दूसरा विंग देखते हैं जिसका रिसेप्शन है, सिक्योरिटी रिसेप्शन। उसके बाद ये इसका दूसरा लिफ्ट एरिया है, फिर यहीं से आगे सेम जैसा ए विंग का स्ट्रक्चर है वैसा ही दूसरा है, पहला स्टेयरकेस फिर दूसरा लिफ्ट आता है इसमें। अब हम इसका फ्लैट देखते हैं दोस्तों, किस टाइप का है ये। ये 1 BHK की प्रॉपर्टी है और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ है, फुली फर्निश्ड बनाया हुआ है। फॉल सीलिंग, LED बल्ब्स, LED लाइट्स, TV यूनिट्स, ये सब कुछ एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। करीबन 10 से 12 लाख रुपए का काम किया हुआ है इस फ्लैट में। पहले मैं आपको फ्लैट कॉम्प्लेक्स वगैरह सब दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं प्राइस, साइज और लोकेशन की बात करूँगा, कनेक्टिविटी की बात करूँगा। इसका कॉमन वॉशरूम एरिया है, और अब ये पहला मैं आपको किचन दिखा रहा हूँ, मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स, फॉल सीलिंग, लाइट्स वगैरह ब्यूटीफुल बनाया हुआ है इन्होंने फ्लैट, चिमनी वगैरह लगाया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं इसका बेडरूम कैसा है, और ये इसका मास्टर बेडरूम है। इसको एंटर करते ही फर्स्ट राइट हैंड साइड पे वॉशरूम है और लेफ्ट हैंड साइड पे बेड और वार्डरोब का एरिया पूरा बना हुआ है। मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ, ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। बहुत ही खूबसूरत बेड और वार्डरोब का डिज़ाइन किया है इन्होंने, और यहाँ से आपको मेट्रो और हाईवे का व्यू मिल जाता है। अब हम चलते हैं फिर से लिविंग डाइनिंग की तरफ, ये पूरे अंदर से व्यू है इसका। ये इसका
मैं आपको पैसेज एरिया पूरा दिखा देता हूँ। आपको फ्लैट के बाहर निकलते ही एक लिफ्ट आपको मिल जाता है। ये स्टेयरकेस है इसका। इसके बाद फिर ये दूसरा लिफ्ट आ जाता है साइड में। अब मैं आपको नीचे का पार्किंग का स्पेस दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये चारों तरफ से इसका ओपन स्पेस है बिल्डिंग का। प्राइजिंग इसका काफ़ी बढ़िया रिजनेबल प्राइस है। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, देख पाएँ। ये इसका पूरा ओपन पार्किंग स्पेस है। सारा प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करता हूँ दोस्तों। प्रोजेक्ट का डिटेल की बात करूँ तो ये लोकेशन है हनुमान नगर कांदिवली ईस्ट में, बिल्कुल हाईवे के पास में है। ये रिसेल का 1 BHK का फ्लैट है। प्रोजेक्ट की बात करूँ 18-story टावर है। 2 wing है इसमें, हर एक फ्लोर पे 4 flat है। 2 high speed लिफ्ट है और 2 staircase है इसमें। फर्निश्ड फ्लैट है। करीबन 10 से 12 लाख रुपए का इंटीरियर का वर्क किया हुआ है इसमें। आज के डेट में अगर ये इंटीरियर वर्क करने जाएंगे 10 से 15 लाख रुपए चला जाता है। और कंस्ट्रक्शन मुश्किल से 3-4 साल के अंदर की ही बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है। नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है ये और हायर फ्लोर पर ये फ्लैट है जो आपने देखा है। एग्जैक्टली पूरा फ्लोर पे क्या फ्लोर अवेलेबल है वो मैं ऑनलाइन आपको रिवील नहीं कर पाऊँगा। आप मुझे फ़ोन करें तो हम आपको डिटेल बताएंगे। सिटी व्यू फ्लैट है। OC इसका रिसीव्ड हो चुका है, गैस पाइपलाइन आ चुका है और BMC वाटर आ चुका है। इन्वेंट्री 1 BHK का प्रॉपर्टी है। करीबन 400 square foot इसका कारपेट एरिया है। और इसकी प्राइजिंग की बात करूँ 96 lakh इसकी प्राइज है। अब आप क्या नेगोशिएबल है, कितना नेगोशिएशन हो सकता है वो आप मुझे फ़ोन करें, वो मैं हम आपको बताएंगे। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है ये। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजीली हो जाएगा, जैसे SBI, HDFC, एक्सिस, LIC, इन सब बैंकों से भी आराम से लोन हो जाएगा। जब इन सब बैंकों से लोन हो जाता है तो आप इनडायरेक्टली ये समझ जाएँ कि सारा टाइटल क्लियर है, इसीलिए SBI और HDFC आपको फाइनेंस कर रही है दोस्तों। अब यहाँ की कनेक्टिविटी की बात करूँ दोस्तों तो 5 मिनट के अंदर, 2 से 5 मिनट के अंदर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ग्रोवल स्मॉल, पॉइश बस डिपो, संचाटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट फ्रांसिस इंग्लिश हाई स्कूल, संस्कार कॉलेज, श्री स्वामीनारायण मंदिर, मेडिकल शॉप, वेजिटेबल मार्केट, बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप, आप यहाँ से बहुत ही पास में ही पड़ता है, 2 से 5 मिनट के अंदर आप रिसीव कर जाते हैं। 10 से 30 मिनट के अंदर कांदिवली रेलवे स्टेशन, बोरीवली रेलवे स्टेशन, अंधेरी मेट्रो स्टेशन, कांदिवली पुलिस स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सुराना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ओबेराय मॉल, इन्फिनिटी मॉल, इनॉर्बिट मॉल, डी मार्ट, नेशनल पार्क, मार्वे बीच, अक्सा बीच मालाड, जुहू बीच अंधेरी, मुंबई एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिंडोशी बस डिपो, ये सब भी आप 10 से 30 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। और मुंबई के जो फेमस चीज़ें हैं जैसे बड़े जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो भी आप मुश्किल से यहाँ से 1 से 2 घंटे के अंदर आप रीच कर जाते हैं। जैसे गोराई बीच, ग्लोबल विपासना पेगोडा, SL वर्ल्ड एंड वाटर पार्क, बेलंकनी बीच, जुहू बीच, अंधेरी, बरसोवा बीच, पवई लेक, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, शिवाजी पार्क, सिद्धिविनायक मंदिर, बैंड्रा वर्ली सी लिंक, मदर मेरी चर्च, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, मुंबा देवी मंदिर, मरीन ड्राइव, लेमिंटन मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट, तारापुर वाला एक्वेरियम, गिरगांव चौपाटी, ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलावा और एलिफेंटा कैब्स, ये सब इसके कनेक्टिविटी फैसिलिटीज़ हैं जो डेली बेस्ड यूज्ड चीज़ें हैं जो हमेशा रोज़ के जीवन में इस्तेमाल में आते हैं। अब मैं एक बेसिक सी बात बता दूं दोस्तों, रीसेल के डील करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जान लेना चाहिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी का डील करने चाहें रीसेल में तो एक बात आप ज़रूर याद रखें दोस्तों कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस वक्त पेमेंट देने के बाद कौन सा पेपर साइन करवाना चाहिए और किस क्या स्टेप लेना चाहिए। कभी भी देखता हूँ दोस्तों, कई मैंने केस देखा है ऐसा कि रीसेल का डील करने के बाद लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं, 5-5 साल हो गया है, जिनको नहीं प्रोसेस पता है और सेलर बायर के बीच में किसी के भी मन में थोड़ा भी कुछ अगर
ऐसी बातें होती है तो बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जब भी आप रीसेल में प्रॉपर्टी का डील करें तो आपके किसी पहचान वाले एक्सपर्ट ब्रोकर को ज़रूर रखें, या फिर ऐसा आदमी को ज़रूर रखें जिसको नॉलेज हो। अगर वो प्रोफेशनल है तो, अगर वो प्रोफेशनल नहीं है या आपके कोई पहचान में नहीं है तो आप हमें फ़ोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे उसमें, आपको प्रॉपर्टी टोकन से लेके पोजीशन तक दिलाने में। उसमें जो भी कुछ लीगल एडवाइजिंग रहेगा, किस वक्त पे कौन सा क्या स्टेप लेना चाहिए, टोकन करने के बाद कौन कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको पेपर बनाना चाहिए, जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है बायर सेलर के बीच में, उसके बाद कितना पेमेंट कब रिलीज करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पे कितना पेमेंट करना चाहिए, पोजीशन पे कितना पेमेंट करना चाहिए, पोजीशन जब हम देते हैं उस टाइम पे लेते हैं या उस टाइम पे क्या क्या पेपर हमको सिग्नेचर करना चाहिए, क्या क्या पेपर बैलेंस सिग्नेचर करवाना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी एक प्रोफेशनल को होती है, एक्सपर्ट को होती है। अगर आपके पहचान में जान में कोई है तो आप उनको साथ में लेके करें, या फिर आप हमें फ़ोन करें, हम पूरी हेल्प करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों पैसा देने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी बुरी तरह फंसे हुए हैं, इसलिए हमने ये टॉपिक रखा है क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस है। अभी भी काफ़ी लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमने हमारे व्यूअर को, हमारे कस्टमर, हमारे बायर्स को ये चीज़ें मैंने इंटीमेट किया है कि आने वाले फ्यूचर में कभी वो प्रॉब्लम में ना फंसें दोस्तों, हमेशा वो ईजिली डील हो उनका और टाइम पे जो टाइम कमिटमेंट हो उसमें उसको घर मिल जाए दोस्तों। आइए और भी हमारी सर्विसेज के बारे में जानते हैं कि किन किन सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को, भाई और व्यूअर्स को फ़ायदा करवाते हैं प्रॉपर्टी परचेस करवाने में, और फ्यूचर के प्रॉपर्टी बेचने में किस तरह से उसका अप्रिसिएशन आता है, वो सब मैं सर्विसेज में बात करता हूँ दोस्तों। अब हमारी सर्विसेज की बात करें दोस्तों, तो हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी और होम लोन में डील करते हैं। कभी कभी तो हमारे पास बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है कभी 40% 50% डिस्काउंट पे होती है, और मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को फायदा कराया है बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी उनको परचेस करवाने में। दूसरा, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो होती है, बिल्डर जब प्रॉपर्टी नया नया लॉन्च करते हैं तो उनका अच्छा खासा एक प्राइज होता है जो बेस खड़ा करने के लिए उन्हें कुछ जो फ्लैट बेचना होता है, 200-500 फ्लैट बेचना, अगर एक प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट है तो उसमें एक 500 फ्लैट बेचने का टारगेट रहता है लॉन्चिंग पे, जो कि उनको एक पैसा अच्छा मिल जाए जिससे वो बेस पूरा तैयार कर सकें। दूसरा दोस्तों, अर्जेंट सेल, जिस तरह आप ये वीडियोस देख रहे हैं उसी तरह हजारों लाखों करोड़ों लोगों वीडियो देखते हैं हमारे, जिनको भी प्रॉपर्टी परचेस करना होता है, और अगर उन्हें प्रॉपर्टी सेल करना हो अर्जेंट में, उन्हें कुछ पैसे की जरूरत होती है, इस टाइप के प्रॉपर्टी हमारे पास आते रहते हैं, वो हमें सामने से फोन करते हैं कि विकास जी हमें प्रॉपर्टी सेल करना है। तो दोस्तों, जब ये प्रॉपर्टी सेल करना है उनको और वो हमें जब इन्फॉर्म करते हैं तो ऐसे अर्जेंट वाली, फायदे वाली प्रॉपर्टी में हमेशा अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनपाल पे शेयर करता रहता हूं दोस्तों। कभी भी जब आपको प्रॉपर्टी परचेस करना हो ऐसे फायदे वाली प्रॉपर्टी, वो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जब भी मैं ऐसे कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका जल्द से जल्द फायदा ले सकें दोस्तों। अगर आप YouTube से ज्यादा फ्रेंडली नहीं है तो हमारा WhatsApp नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा WhatsApp पे है, इन दोनों नंबर पे आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब लिख के भेज दें, और जिस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है दो लाइन में ब्रीफ लिख के भेज दें। इस टाइप के अगर हमारे पास फायदे वाली या बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है तो मैं हमेशा अपने इस WhatsApp ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करता रहता हूं, जब भी महीने, दो महीने, चार महीने में ऐसी प्रॉपर्टी आती है, और ये 1-to-1 आपको ये मैसेज मिलता रहेगा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख के आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपके आसपास जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको भी शेयर करें, ताकि अगर उन्हें भी जरूरत हो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूं वो भी जानना जरूरी है। आप दोस्तों कहीं से भी पैसे कमाते हैं, किसी भी वे से पैसे कमाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर्टी टारगेट करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी परचेस करना है। लेकिन प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले इन चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है कि कहां पे प्रॉपर्टी खरीदना है, किस तरह का प्रॉपर्टी खरीदना है, वो सब सावधानियों को आपको स्टडी करना, जानना बहुत जरूरी होता है। मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस में शेयर करता ही हूं, मेरे YouTube में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, हर एक वीडियो को आप देखें, हर एक वीडियो में अलग अलग नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेगा, जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पहले आपको किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, बरतना चाहिए दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलूंगा फिर से नई वीडियो के साथ, आऊंगा नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाजत फ्रेंड्स, नई वीडियो को तक वेट करिए, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।